ओके, वंस अगेन आई एम हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले तो मैं एक रिवीजन दे देना चाहूँगी कि जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता क्या है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो टीचिंग मेथड है जिसमें आपने लेक्चर भी देना है, साथ साथ में समझाना भी है बच्चों को, प्लस आपने एक डेमो भी दिखाना है, मतलब आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाना है। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होते हैं? ज़्यादातर साइंस में, आर्ट्स में, जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने जब तक दिखाया नहीं बच्चों को, तब तक बच्चों को समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो उसका तरीका क्या है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला, ऑब्वियसली हर चीज़ में, कहीं पर भी आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, सबसे पहला उसका किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। ठीक है, आपको प्लान करना है। अब प्लान करने के लिए ये देखना है कि हम हमारे पास क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या चीज़ें करनी है, मतलब हमको एक डेमो देना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, साथ साथ में हमको उसको समझाना है, मतलब लेक्चर देना है। मतलब हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, एक लेक्चर का पार्ट हो गया और एक प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया। तो लेक्चर के लिए हमारे पास क्या तैयारी होना चाहिए भाई? लेक्चर के लिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट मैटर रेडी होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर अगर रेडी नहीं है तो हम क्या बताएंगे वहाँ पर जाकर? ठीक है, तो वॉट वी हैव टू टेल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, हमको क्या बतानी है स्टूडेंट्स को, क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, वो हमारा रेडी होना चाहिए। अगर वो रेडी है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा लेसन प्लान रेडी होना चाहिए। अब लेसन प्लान की जहाँ बात आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेसन प्लान में आता है कि आपने कौन सा टॉपिक लेना है, उसके हिसाब से आपकी टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग एड्स आप कौन से यूज़ करने वाले हो, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी, और लास्ट में आप उसको कैसे इवॉल्व कर रहे हो, कैसे इवेलुएट कर रहे हो, सॉरी, ठीक है, कैसे कंक्लूड कर रहे हो अपना लेक्चर या अपना लेसन जो भी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई आपके लेक्चर के संबंधित, के मतलब लेक्चर आप जो दोगे वो, और नेक्स्ट दो चीज़ें जो आएंगी वो आपके डेमो के हिसाब से रहेंगी, आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो वो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिहर्सल करके जानी है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, रिहर्सल करके जानी है आपको प्रैक्टिकल की, ऐसे ही उठ के नहीं चले जाना है। नेक्स्ट आपका अपेरेटस, आपके जो भी इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं वहाँ पे, वो रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप पहुँचे परफॉर्म करने के लिए, भाई टेस्ट ट्यूब नहीं मिल रहा, तो जो है फ्लास्क टूट गया और बर्नर का इंतकाल हो गया, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अपेरेटस वगैरह जो है वो बिल्कुल रेडी कंडीशन में होना चाहिए। कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ अपेरेटस। नाउ नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। आपको अपना लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, थोड़ा बच्चों को रिझाना होगा, लुभाना होगा थोड़ा। ठीक है, देखो इसमें तरीका भी वही है, टेलिंग ए स्टोरी। ठीक है, कुछ स्टोरी बतानी होगी, कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देना होगा जो स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ हो, ताकि उनको इंटरेस्ट आए कि भाई आपने पुराने क्लास में ये सीखा था, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, या तो आप उसको एक सिंपल और इजी से एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो लेसन का। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका मेन लेक्चर आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर आप लेकर आए हो अपने साथ, आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, ये आपका मेन होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे आपका लेक्चर का काम होता है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे आपका डेमो का काम होता है। ठीक है, तो आप लेक्चर दे रहे हो, आप समझा रहे हो, तो वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, जाहिर सी बात है, सबसे पहला इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट को आपको कभी भी जो है पीछे नहीं रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट आता है, उनका एक्सपीरियंस आता है, आपको इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो शो करना है, वो समझाना है, वो बताना है। देन अगेन बच्चों को बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, किस हद तक समझ में आ रही है, किस हद तक ड्रिल हो रहे हैं वो लोग, तो आपको जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन करना है, आपको फीडबैक लेना है बच्चों का। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। देन उसके बाद फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को आपको बताना है, आपको कुछ भी हवा में नहीं बताना है कोई बातें। ठीक है, अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बताना है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसका अप्लाई होने वाला, जिसका एप्लीकेशन आप करने वाले हो अपने डेमो में, अपने प्रैक्टिकल में, उन्हीं फैक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, उन्हीं प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है कि इस फैक्ट के बेसिस पे हम लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। और जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ कीप इट सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे आपने डेमो दे दिया, आपने यहाँ पे लेक्चर दे दिया, आपने सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको फिजिकली उसको परफॉर्म करके दिखाना है, फिजिकली उसका एक्सपेरिमेंटेशन करके बच्चों को दिखाना है। तो फोर्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन में जाहिर सी बात है, टेबल पे सिर्फ और सिर्फ अपैरेटस रखना है, अपना चश्मा, अपना घड़ी, अपना वॉलेट, अपनी पर्सनल चीज़ें उस पर ना फैलाएं, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शुड बी सिंपल एंड स्पीडी, एक्सपेरिमेंट जो है एकदम सिंपल रखने की कोशिश करें, अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें। ऑल दी अपैरेटस शुड बी डिस्प्लेड एट वंस, ठीक है, सारे शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट वंस, सॉरी, सारे अपरेटस एक साथ उठा दिखा के बच्चों को कन्फ्यूज ना करें। जिस अपरेटस का इस्तेमाल हो रहा है, जिस अपरेटस का यूज़ हो रहा है, वन एट अ टाइम दिखाने की कोशिश करें, वन एट अ टाइम बताने की कोशिश करें। देन ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आपने चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हैं, जो भी डायग्राम वगैरह बनाया है, ठीक है, तो पीछे पूरा एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, उसमें जितने भी इक्वेशंस वगैरह हैं, जो भी हैं प्रिंसिपल वगैरह, जो फैक्ट हैं, वो सब हैं, जो मैटर आपने एक्सप्लेन करना है बच्चों को, वो पूरा पॉइंट वाइज लिखा होना चाहिए नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि आप परफॉर्म करते जाएँ और साथ साथ में उसका भी यूज़ करते चले जाएँ। एंड लास्ट वन इज एक्चुअली सिक्स वन इज सुपरविजन, जब बच्चे खुद से परफॉर्म कर रहे हों, जब बच्चे खुद से उसको टैकल कर रहे हो इस अपैरेटस के साथ, तो आप वहाँ पे खड़े रहें, आप उनको बताएं कि इस तरह नहीं, इस तरह करना है, ठीक है, तो आप सुपरवाइज करें कि बच्चे उसको सही से, ढंग से, अच्छे से कर सकें। तो दिस वाज दी स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। थैंक यू।